आयुष्मान भारत योजना के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संबंध में बृहस्पतिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने सीएमओ कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में प्रेस वार्ता कर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पखवाड़ा के दौरान योजना को लेकर लोगों में जो भी भ्रम है उन्हें दूर करने की जरूरत है। इस योजना में नए नाम जोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है। योजना के लाभार्थी वही हैं जिन्हें वर्ष 2011 में हुए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर योजना से जोड़ा गया है। इन लाभार्थियों को 30 रुपये देकर गोल्डन कार्ड बनवाने की भी सुविधा है। यह कार्ड दिखाने पर भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 1416 प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी सूची में नाम देखने के बाद किसी भी जन सेवा केंद्र से 30 रुपये देकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। विभाग का भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड की सुविधा पहुंचाई जाए। इस कड़ी में गोल्डन कार्ड बनवाने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, इसकी पहली वर्षगांठ 23 तारीख से को हुई मनाई जा रही है। इसमें 15 दिन तक हम लोग सीरियल बिल्कुल हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी की हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उन सभी के आरोग्य मित्रों को, उनके चिकित्सकों को और हमारे अपने सरकारी तंत्र के जितने आयुष्मान भारत योजना के एक वर्ष 23 तारीख को 23 सितंबर 2019 को पूरे हुए, क्योंकि 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च की गई थी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। उसके एक वर्ष पूरे होने पर हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। रैली करे 23 तारीख को हम लोगों ने रैली किया, गोष्ठी की। उसी के संदर्भ में आज हम आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बुलाए हैं ताकि हमारे ये इस योजना के बारे में, भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के बारे में आपके द्वारा प्रचार प्रसार, आपके लेखनी के माध्यम से, आपके प्रिंट एंड दिस मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाए। इस अभियान के तहत हम गोल्डन कार्ड जनरेट करने का भी अभियान शुरू किए हैं, जिसमें हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा और हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनके द्वारा गांव-गांव जाकर और कैंप लगाकर अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोल्डन कार्ड जनरेशन का काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि हमारे जनपद में ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर एन के पांडे साहब इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं और उसी के बदौलत हम लोग उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड जनरेट करने की स्थिति में आज नंबर वन है। आगे हमें उम्मीद है कि हमारे जो कुछ भी बचे हुए हैं जिनको गोल्डन कार्ड नहीं, जिन परिवारों को मिला है, वो भी हम बना के उनको दे देंगे। और इस योजना के बारे में विस्तार से मैंने आप लोगों से इसीलिए चर्चा की कि आपके हर पत्र के माध्यम से या हर आपके चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ नई बात जनता में जाए जो जनता अभी नहीं जानती है। हालांकि उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, उसके लिए कॉल करके जानने की व्यवस्था है कौन इस योजना में आच्छादित है कौन नहीं है वो जान सकता है, पर गांव की जनता वो सब भी नहीं करती है। लेकिन अखबार के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से वो उसके दिमाग में जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का यही एक मकसद था कि आपके माध्यम से इस योजना के बारे में हम प्रचार प्रसार कराएँ और लोगों को जानकारी